आपको क्या लगा हम जो फूड व्लॉगर्स को एक्सपोज कर रहे थे वो सिर्फ जलंधर वाले होंगे? नहीं, अब हम फूड व्लॉगर्स को एक्सपोज करने आ गए हैं मुंबई शहर में। मुंबई का सीलिंग आपके लिए लोकेशन तक पहुंचते बारिश पड़ गई। कोई बात नहीं, सो फैमिली मौसम की तब्दीली होने की वजह से हम काफी जगह एक्सपोज करने वाले हैं विद छाता, बिकॉज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जो लोग यू नो बता रहे हैं ये फूड अच्छा है ये फूड बुरा है, वो हम आपको खुद बताएंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अरे बड़े बड़े फूड ब्लॉगर कह रहे हैं मुंबई के कि इधर का ही खाना अच्छा है, और ये फूड ब्लॉगर को एक्सपोज करेंगे कि यहाँ का खाना उतना खास नहीं है। क्या तो खास भी हो सकता है यार, सो लेट्स गो एंड ट्राई। तू लक मटकावे मेरा सा ले जावे, स्नैपचैट हिट सारे फिल्टर लावे 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 बेसिकली। हम पहली जगह पर आ चुके हैं और ये जो जगह है ये फेमस है इनके खास लेस के फ्रेंकी से। यार फ्रेंकी में लेस कौन डालता है? ये डालते हैं लेकिन फैमिली मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स बनवाए हैं। एक है ग्रीन लेस जो मेरे लिए, एक है ऑरेंज लेस ये तेरे लिए, तो अब हम खाकर देखते हैं कि क्या वाकई में ये वो चीज है जो दिखाई गई है या फिर अब ऑशम से भी ऑशम वाला है ना, एकदम लेजेंडरी फीचर। हाँ वो बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है भाई साहब। क्या ये छोड़ दे पुख पाई, मुंबई में भूख डाल रहे तुम लोग। लेस वालों की बिक्री इसकी वजह से ज्यादा बिक गई होगी। टू टेस्टी। आपको पता हमारी रेटिंग्स जो तीन रेटिंग चल रही है ऑसम। हाँ ओके ओके, और है तीसरी है तो हम इसको देना चाहेंगे ऑसम। लेट्स गो टू नेक्स्ट प्लेस एंड लेट्स सी कैसा होगा। छट दे पुख पाई, मुंबई में भूख डाल रहे तुम लोग। शूट करते हुए जी हाँ, ऐसा लग रहा है पुराने दिन वापस आ गए हैं। मुंबई की बारिश है जी हाँ, गीले मुंबई का ट्रैफिक। मुंबई का ऐसा हिडन जेम जहाँ पे आप फाइनली ऑथेंटिक हिमालयन फूड ट्राई कर सकते हो, माउंटेन गोट में जहाँ पे आपको ऑथेंटिक हिमालयन एंड नेपाली क्यूजीन ट्राई करने मिलेगा। गाइस क्या आपने कभी हिमालयन फूड खाया है? जी तो मैंने खाया, मैंने मैगी खाई है। और मैगी कभी भी हिमालयन फूड नहीं होता संजय, वो पहाड़ों में मिलती है बस। बॉम्बे में बेइज्जती करा रहे हो, देखो गाइस ताकि कैमरा नकली लो। आगे पीछे वाले बंदे क्या सोच रहे होंगे? सच्ची में यार बंद कर ले खाना, बंद कर ले। सुनो मेरी बात, एशियन फूड जो, और यार रुको मेरी बात, बंद कर यार वो ज्यादा। So guys, हम अब मुंबई में मिलता है हिमालयन फूड ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कह रहे, बताओ ऑथेंटिक होता है कुछ? हाँ जी ऑथेंटिक, मेरे आज तक रिलेशनशिप नहीं रहे। आप तो रियल हो गया, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं। Well, हूँ नहीं मैं फेकिस्ता, भूख लगी है खिला दो मुझे केकिस्ता। Alright guys, so हम लोग पहुंच गए हैं इस जगह पर, इट्स कॉल्ड माउंटेन गोट। एंड अभी खाना पता नहीं है कैसा होने वाला है, ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। वेरी लाइक बहुत अच्छी सी क्यूट सी यू नो वाइब आ रही है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने बुक्स भी रखी हुई है। हाँ और वो बुक्स भी माउंटेन बेस्ड है। मतलब कि जो भी जहाँ से भी किसी पहाड़ पे फंस जाओ तो आप यहाँ पे आके पढ़ लो। हर पहाड़ पे थोड़ी नेपाल के बारे में तो यार। पहाड़ पाल ऐसा नहीं है कि हम जगह पर आ गए और हम जगह की तारीफ करेंगे, अगर चीज अच्छी होगी तो ही बोलेंगे। संजय अपने हाथों से बना रहे हैं, ऐसा नहीं मजाक नहीं कहीं बाहर से लाया और गर्म कर दिया और बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पानी तो आ रहा है, पानी मुंह में आता है। और तुम किचन में क्या कर रहे हो? बाहर चलो, किसी की प्राइवेसी होती है तुम वहीं पे घुस रहे हो। मैं कह रही हूँ देखो सही कैसे बना रहे, फिर हम घर जाके ट्राई करेंगे। बेटा तुम रेस्टोरेंट में उधर बैठो यार। छोड़ो हम दूसरी ब्लॉग छोड़ो, हम यही काम करते थे थोड़ी, ये सही है यार, खाने पीने को भी मिलता रहता है। फूड ब्लॉगर बनते हैं फुल टाइम। Has a pretty unique taste. Like एकदम जो मैंने आज से जितने भी रामन्स खाए रेड अभी तक उनसे एकदम different है। I won't say it's awesome. For me, it's okay because I'm not a big ramen fan.
सारा तो बाहर निकाल दिया इसने। ये चीज मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। और खाओगे? No, it's very tasty. ट्राई कर रहा हूँ सादे मुंह। सादे को। इधर भी बेइज्जती हो रही है। गाइस इसकी खुशबू एक सेकंड में रिव्यू कर रहे थे, हमें देख रहे हैं मालिक, देख रहे हैं मारेंगे हमें। वाओ। हमारा जज उठो उठो, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मेरे को खट्टा सा खिला दिया। फैमिली इतना टेस्टी फूड है, इन लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। हम गाइस इसने जज की जॉब को ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ऑथेंटिक फूड में फिर अपना पंजाबी पसंद आएगा, कभी कोई और नहीं आएगा। तरीके तो क्या है ये? अबे ये मोमो खट्टे हैं क्योंकि ये पूंड के भाई, वो खट्टे नहीं है, उसमें उन्होंने स्प्रिंग अनियन क्रीम डाल लिया भाई। Here are the best desserts we've tried in Mumbai recently and absolutely loved. Number one is the San Sebastian cheesecake at Brev Bandra that looks so good and tastes even better. भारत में cheesecake की बढ़ गई डिमांड। अब से cheesecake के ऊपर आप जब चॉकलेट डालेंगे तो ये आपके मुंह में घुल जाएगी, ऐसा इस जगह का कहना, ये न्यूज़पेपर नहीं है गाइस। तो हम लोग आए हैं Brev बोलते हैं। Brev Brev का स्पेलिंग गलत है आपके। और चीज केक का कोई मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ। I am not, but obviously the judge कर रही हूँ, तो I will try and tell you कैसा है। इनके यहाँ पे कॉफी मिली? यार तू जो ट्राई कर बेटा, इनकी इनकी हेडलाइन पे कॉफी है। अच्छा हाँ, और ये कॉफी होती है? Oh my God. मैं तो अभी अपनी अखबार के दूसरे पेज तक ही पहुंचा था, ये केक तैयार भी हो गया। गाइस इनकी सर्विस फास्ट है क्योंकि ये Brev है। स्पेलिंग कभी भी गलत है यार। आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट की दी है सिर्फ कि आप इसको घर ले जाएं। इसमें चीज कहाँ है यार? संजय को मैं करती हूँ, मुझे करना। गाइस हमें लेटेस्ट पता लगा, इसका नाम Brev है, हम Brev कर रहे थे। हाँ, पंजाब हम मीडियम हमें अब वो हर रोज क्यों खाते हो और उसमें क्या स्पेशल है, मतलब और हम तो हम क्यों नहीं खाते हो, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? बहुत बिजी हो दूसरी चीजों को खाने में। पेलियो पेलियो के केक। दिस बेकरी मिक्स केक्स इन कैन। Paleo Bakes is a cloud bakery that specializes in vegan, sugar-free, keto and gluten-free desserts. अब हम लोग जो लेने आए हैं वो लेने आए हैं केक जो कि मिलता है कैन में, यानी कि वो तो ना कोक कोल्ड ड्रिंक वाला कैन, उसमें बताओ। आजकल आपको पता चल रही है क्लाउड किचन, यानी कि लोग अपने घर से चीजें बना बना के बेचते हैं। तो अभी मारिश में वेट कर रहा हूँ, वो केक आएगा फिर खा के देखेंगे वो स्वाद होगा कि नहीं होगा। जज बनना कोई सूखा काम नहीं है भैया। ऑलराइट, मिल गया है, मिल गया गाइस, मिल गया। चल जाके देखते हैं। ओ, अब इसे खोलते हैं। फैमिली मेरे वाले का नाम है ओ माय बेरी। मेरा है कुकी चाओ। एक्सप्रेस योरसेल्फ। यस। भाई साहब, मेरी तरफ से ओ माय बेरी को मिलते हैं ऑसम दी पेन।
इसका बादशाह भी केक खाता है, अब उसे नहीं खाएगा क्योंकि किसी का कमबैक होने वाला है। यार तेरा सुपरस्टार। यार मैंने एक चीज नोटिस किया दीक्षा, मुंबई की जितनी रील्स में दिखाया गया है ऑलमोस्ट सारी बेस्ट निकल रही है। गुड मॉर्निंग, हम लोग तैयार है। जजेस ने वही कपड़े पहन लिए हैं और फिर से एक्सपोज करने के लिए मुंबई के गलियों से निकलने के लिए तैयार है। जजेस लाओ पहले क्या खिलाते हो। मस्ट ट्राई पंजाबी डिशेस इन साइन। नंबर वन, गर्मा गर्म छोले विद तंदूरी कुलचे विद लॉट ऑफ बटर एंड चावला। फास्ट फूड तो आपको पंजाब की याद दिला देगा। पंजाब की याद, हम अभी अभी आए हैं। पंजाबी याद आ तो नहीं रही। अगर अगर खा के नहीं याद आई ना तो फिर तुम एक्सपोज हो जाओगे। जैसे पंजाब पंजाब इसको उंगली करी यार। देखो अगर अच्छे नाना निकले ढूंढ इनके छोले भटूरे जो भी बेच रहे हैं लोग, ठीक है, तो जितने भी लोग फैमिली आप देख रहे हो, हम वो बंदे का रील नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके पेज को जाके रिपोर्ट कर दो। बस तुमने खुजली बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या फंसा हुआ है मेरे। और इधर हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या डूडी, हमने यहाँ पे किए छोले। लेट्स सी कि इनका एक्चुअली में पंजाबियों की तरह खाना टेस्ट करता है या नहीं। पूछो मत, हमें यहाँ पे आते आते 2 घंटे लग गए। बताओ ये भी बॉम्बे में ही जगह। यार तू पहली बार बॉम्बे आया है। टाइम होगा, 3 साल होगा, होता है यार। कमोन कोई बात नहीं बेटा, अब आगे अब कहीं नहीं जा रहे। अभी तो वापस आया हूँ, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा, बैठो। यार खुशबू तो अच्छी आ रही है डूडी, और लग भी सेम ही रहे हैं। यार डूड अगर टेक्सचर्स की बात करें, इन्होंने पनीर डाला है बीच में। दीज आर स्टफ्ड भटूरा। वेट एक मिनट, और जज नु खांग ला गई इन्हें पानी। Holy moly guys, this is really good. आपको मालूम है मुंबई का बेस्ट स्वीट शॉप कौन सा है जो लोकल्स ही नहीं तो सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को पसंद है? जामुन चेंबूर। जामुन बेस्ट वाला जामुन जितने यू नो। आई यू कम आई लव यू। टेक इट फ्रॉम द डब्बा इन चेंबूर एंड माय फेवरेट गुलाब जामुन। फेमस मिठाई शॉप कॉल्ड जामा। भाई ये क्या आप शॉट ले रहे हो अपने शूज का? ओके मैन वी गेट इट, आपने नाइकी के पहली बार ओरिजिनल लिए वो भी गिफ्ट, बट ठीक है कोई बात नहीं ब्रो। सुनारे फाइनली हम अपना डब्बा खोल रहे वाले हैं जामा स्वीट्स के गुलाब जामुन। अभी हम इसको बाइट लेंगे, देखेंगे कि इसके बीच में बादाम निकलता है, किशमिश निकलता है। या गाइस खा के देखते। 3, 2, 1 गो। मतलब इसको जैसा हाइप किया गया कि भाई ऐसे वाला गुलाब जामुन तो आप खाओगे ना आउट ऑफ यूनिवर्स। आउट ऑफ यूनिवर्स तो डेफिनेटली नहीं है, अगर चुपचाप यूनिवर्स में आ जाओ। So guys, अब हम लोग एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसको जब मैंने इसकी रील देखी थी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। एंड आई डोंट नो मेरे इमोशंस कैसे कंट्रोल हो पाएंगे वहाँ पर। यार उस पे ना काफी एक लर्निंग मिलती है, मतलब द वर्क दे आर डूइंग इज अमेजिंग। बहुत ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा एंड हमें मजा भी आएगा। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि इशारों से चलता है और इस रेस्टोरेंट का नाम है इशारा। यहाँ के जो सर्विंग स्टाफ हैं वो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, वो इशारों में ही आपसे बात करते हैं और ऑर्डर लेते हैं, इसीलिए इस रेस्टोरेंट का नाम इशारा है। फैमिली हम जब पहुंचे इस रेस्टोरेंट में, हमें मिला मेन्यू जिसमें साइन लैंग्वेज को यूज करते हुए हमें ऑर्डर करना था।
हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की और उनके स्टाफ ने भी हमारा वेलकम किया विद साइन लैंग्वेजेस बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल एबिलिटीज। हमने मंगवाई पाव भाजी जो कि थी ओके टेस्ट में, पर उनका मोस्ट सेलिंग लखनऊ चिकन कोरमा वाज ऑसम, और वो भी विद मिस्सी रोटी। गाइस, हमने इन 24 घंटों में ये सीखा है कि खाना सिर्फ खाने से नहीं बल्कि खिलाने वाले की नियत से भी ऑसम लगता है।